नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीच पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक्साइटमेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैं अपने टाइम पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक स्कूल है CHS, बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो उसके एडमिशन के लिए भी एंट्रेंस होता है। उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता था जिस प्लेस पर आज मैं हूँ। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भारत कला भवन। मेरे टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है, और मैं आपको बता दूँ कि एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय है ये, और यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। वैसे तो 1940 का है, लेकिन नए नए अब मॉडर्न ज़माना आ गया है, तो लाइटिंग से लेके जो भी अंदर मोनूमेंट्स हैं या जो भी संग्रहालय में चीज़ें रखी गई हैं उनको संरक्षित करने के लिए जो अलग अलग नए मॉडर्न इक्विपमेंट आ गए हैं उसका यूज किया जा रहा है। और यहाँ पे विश्वविद्यालय घूमने के साथ साथ भारत कला भवन घूमने बच्चे भी आते रहते हैं। तो अभी आज कोई किसी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, अब थोड़ा जानते हैं कि इन लोगों का क्या एक्साइटमेंट है। ये मैं, यार कितने साल के हो गए तुम लोग? कितने? 16 ईयर्स। अच्छा, कहाँ से आए हो? We are from भदोही। भदोही? Yes। अच्छा, ये तुम्हारे साथ क्या टीचर्स भी आए हैं? तुम लोग घुमाने का कैसे आइडिया आया? कहाँ आए हो? अच्छा, विश्वविद्यालय जानते हो? कौन सा विश्वविद्यालय है ये? काशी विश्वविद्यालय, यानी BHU, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, और हम लोग यहाँ पे टूर के तौर पे आए हैं। टूर के तौर पे, एजुकेशनल टूर है। और अभी हम लोग यहाँ भारत कला भवन, भारत कला भवन, चलो इतना जानते हो। अच्छा, अभी सब भाग रहे थे, अब धीरे धीरे सब कलेक्ट हो रहे हैं। आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, फिर उसके बाद। ये बताओ कि मॉनिटर कौन है? मॉनिटर कौन है? अच्छा, अपने कितने सारे मॉनिटर हैं यहाँ पे? अरे इतना सीरियस मत हो यार, मतलब आराम से आंसर दे सकते हो, इधर आ जाओ। अच्छा, मॉनिटर तो मतलब बहुत पावरफुल होता है वो, तो मतलब बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले सकता है ना, मार वार भी सकते हो बच्चों को? सर ऐसा थोड़ी निकल, इतना पावर नहीं है। अरे इतना पावर, मॉनिटर क्यों बनाया जाता है क्लास सर? तू डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। हाँ यार, ये क्या खतरनाक आंसर है, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। मैं तो यही समझता था कि मॉनिटर बनते हैं धूम धड़ाका करने के लिए। तो फिर क्यों आए हुए यहाँ पे विश्वविद्यालय में? क्यों आए हुए सर? भारत कला भवन घूमने आए हैं। भारत कला एजुकेशनल टूर है स्कूल का। कौन सी क्लास में दोस्त? क्लास 12th कॉमर्स में। क्लास 12th कॉमर्स। क्या एम है, क्या बनना चाहते हो? आई वांट टू बिकम CS। CM, चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। यहाँ पे और भी सारे लोग। अच्छा, CS की CA? अच्छा, CS कंप्यूटर साइंस। कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी। और कौन है? इधर इधर आ जाओ दोस्त, इधर आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? ओम चौबे। ओम चौबे? यस, ओम चौबे। तुम भी मॉनिटर हो? नो सर, मॉनिटर तो मतलब हेड ही है। मतलब तुम्हें नहीं बनाया? अच्छा, सब एडी है, सब एडी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। क्लास क्लास। आजा, क्यों घूमने आए हो? बस स्कूल का टूर है, यहाँ पे म्यूजियम है, हम भारत कला भवन में। अच्छा, अंदर अंदर डायनासोर और शेर बाघ ये सब होगा? नहीं, और भी चीजें होंगी जो हिस्टोरिकल है। शेर होगा अंदर? हो सकता है, अभी अंदर से देखे नहीं। ये जू नहीं है, म्यूजियम है ना। यहाँ पे वो चीज़ें होती हैं जो बहुत पुराने, कई सालों से हमारे देश में एज ए मोनूमेंट्स होते हैं, वो रखे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले ये बताओ कि कौन बोलना चाहता है, खुद से, अपने से? अच्छा, अक्षय। मतलब कौन? रवि तेज। रवि तेजा कौन है? अरे भाई, रवि तेजा, ओ माय गॉड। मतलब क्या कबड्डी प्लेयर हो? यस सर। मतलब क्या, बहुत अच्छा। वाह, इतना बढ़िया प्लेयर हमारे साथ है। तो एक बार में कितनी बार कबड्डी बोल सकते हो? कितने एक मिनट में कितनी बार? सर इतनी बार आप कब बोलने के लिए? भाई दवी, कौन सी क्लास में हो? 10th B। 10th B? यस सर। तो आगे कबड्डी में ही करियर बनाना है? सर करियर तो बहुत कुछ बनाना है, बट धूप लगने दो यार। हाँ, किसमें करियर बनाना है, करियर किसमें बनाना है? सर एंटरप्रेन्योर बनना है। अच्छा, यस। लेकिन जब अगर कबड्डी में इंटरेस्ट है तो मुझे लग रहा है कबड्डी में जाना चाहिए यार। बाद में कबड्डी की टीम खरीद लेना, वो भी तो उसी का पार्ट है। यस सर, वही अपना खुद का स्टार्टअप करना, कबड्डी एकेडमी ओपन करवाना है। कबड्डी एकेडमी ओपन करेगा, देख लो जो इंटरेस्टेड है फॉलो करना भाई को, आगे चल के कबड्डी खिलाएगा। हमको असिस्टेंट रख देना। पीए बन जाना असिस्टेंट। ये बताओ, लड़कियां क्यों नहीं इसका? ये पकड़ो इधर, लड़की है ये। अरे वो लड़का, वो लड़का है यार। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ, इधर आओ। ये बताओ लड़कियां पीछे क्यों हैं? इधर आओ, इधर आओ, वो टॉपर है, उधर नहीं आ रही। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जाओ। ठीक है, ठीक है, वहाँ पर। तो ये बताओ कि लड़की क्यों, तुम लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो?
BHU पाठशाला। क्या नाम है आपका? प्रिया त्रिपाठी। प्रिया त्रिपाठी, सुप्रिया त्रिपाठी, इस प्रिया त्रिपाठी। वाह, नाम बहुत यूनिक है ना। आपका क्या नाम? जैनब अंसारी। जैनब अंसारी। आपका? आस्था जायसवाल। आस्था जायसवाल। सब एक ही क्लास से हो? अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? विश्वविद्यालय का नाम क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप भी आ गए। क्या नाम है आपका? रिमझिम सिंह। रिमझिम सिंह। हाँ, कहाँ पे आए हो आज? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्यों आए हो? हम लोग पता नहीं है, घूमने आए, भारत कला देखने आए, एजुकेशनल। अच्छा, एजुकेशनल टूर। मतलब अंदर क्या होगा इस बिल्डिंग के अंदर? भी गए नहीं हो, क्या होगा इस बिल्डिंग के अंदर? कलाकृतियाँ देखोगे। अच्छा, कितने एक्साइटेड हो घूमने के लिए? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, तभी तो आए। अच्छा, बहुत ज्यादा। और कौन सी क्लास बताया हूँ? 11। अच्छा, 12। अभी बोर्ड एग्जाम्स कब हैं तुम लोग के? फरवरी में। प्री बोर्ड तुम लग रहा है स्टार्ट होने वाला होगा? यस सर, दिसंबर लास्ट में प्री बोर्ड स्टार्ट। तो बोर्ड का टॉपर कौन बनने वाला है, ये बहुत बढ़िया टॉपिक रहेगा। ये बताओ, लड़के कितने? इधर आ। लड़के सर, पहले तो लड़के कितना टॉपर बनने वाले हैं? लड़के आ? तुम टॉपर बनने वाले हो कि नहीं? टॉपर तो सोच रहे हैं बन जाए, पर ऐसा है कि मुझे पहले पता था कि ये जितने हैं अपने टीचर के सामने नहीं बोलने वाले हैं, लेकिन अगर इनका अच्छा टीचर के सामने ही बोल लेते हो? नहीं, थोड़ा टीचर है। और जैसे ही टीचर इन लोग का थोड़ा सा इधर उधर नजर नहीं आता है, फिर देख लो किस तरीके से इन लोगों की आवाज निकलती है। ये बताओ कि अपने परसेंटेज कौन कौन एस्टिमेट कर सकता है पहले से? मैं जानना चाह रहा हूँ कौन कितना 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 पहले तो 10th में हमारा था 79%। इस बार सोच रहे हैं कि 99। प्री कांग्रेचुलेशन। और मैं चाहूँगा कि 100 की भी क्रॉस चले जाना। और ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, अगर ये टॉप करता है। चैनल प्रमोट करना था। नहीं नहीं, श्योर करूंगा, अगर ये टॉप कर जाता है अपनी क्लास में तब फिर से। अच्छा, और लड़कियां नहीं, थोड़ा एक्चुअली लड़कियों का जो प्री एस्टिमेशन होता है वो ज्यादा परफेक्ट होता है। तो तुम लोग भी आ जाओ। कौन सी क्लास में हो? क्लास 10 बोर्ड में हो? यस सर। अच्छा, कितना परसेंट आने वाले हो? 90+। हाँ, कितना परसेंट आप कितना लाने वाले? 90+। ये भाई मतलब सर 95+। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कितना? 97+। 97 ही क्यों? 97 ही क्यों? जस अब अपने ऊपर जितना कॉन्फिडेंस रहेगा उतना ही कर पाएंगे। अरे तो 3% तो 3% और है उसको करेंगे उतना ट्राई। अपना ट्राई करोगे? कितना बताया आपने? 90+। आप भी 90+। आप 90+। 95। ओह माय गॉड, ये पूरा ग्रुप 90+ वाला है। वैसे अच्छा, कोविड बैच वाले हो भाई? दबे मजा नहीं आ रहा है, कुछ और बातें करते। इधर आ जाओ सब लोग, इधर पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। इधर आओ। कौन है? कौन है? इधर आओ, इधर आओ। पहले तो तुम लोगों ने मतलब हाउ डेयर यू कि तुमने इसको लूजर कहा? कौन कौन लूजर बोला है? इधर आओ, इधर इधर। अच्छा, ये टॉपर है? ओ माय गॉड, क्या कितना, किस क्लास में दोस्त? 12th में हो? मतलब टॉपर किस क्लास में था ये? अच्छा, 10 से टॉपर है? 10 में ला डाउन था। अरे यार, तुम लोग यार इतने, तुम लोग तो सीरियस हो ही नहीं, मुझे लग रहा है पहली बार आज खुद। कौन पढ़ सकता है सर? ये फिलॉसफी कि सीरियस होके कौन पढ़ सकता है। तो क्या मतलब, कभी तो सीरियस होना पड़ेगा, नहीं बोर्ड एग्जाम से मार्क्स नहीं आने वाले हैं। फिर से पढ़ेंगे? अच्छा, फिर वो टॉपर कहाँ गया? टॉपर कहाँ गया? इधर आ जाओ। टॉपर्स बनने के लिए कोई दो वो बताओ, टिप्स बताओ, दो टिप्स। टिप्स कुछ नहीं है, बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। तीन इन्होंने टॉप करने के लिए तीन टिप्स बताए हैं। पहला है पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। दूसरा भी ये पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। और तीसरा भी ये पढ़ते रहो, कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो। और कोई टिप्स नहीं है कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा करना? अच्छा, ये बताओ कितने सारे लोग इसमें मोबाइल यूज नहीं करते हैं? नहीं, सब करते हैं। कौन? इधर
भाग ऐसे रहा जैसे लग रहा मैं किसी और काम के लिए बुला। हाँ बताओ। हाँ क्यों? अच्छा ये लेजेंड पर्सन है। अच्छा नाम ही लेजेंड? नो सर। अच्छा सर दी लेजेंड वो है। टाइटल तो अच्छा है भाई, क्यों नहीं यूज करते हो? सर नोकिया है, रिचार्ज नहीं है। कीपैड वाला मोबाइल है? यस सर। वो जिसमें ऐसे बटन क्लिक करते हैं? यस सर। वो भी खराब हो गया सर। वो भी खराब हो गया। तो क्यों मोबाइल नहीं रखने का क्या रीजन क्या है? बोर्ड में टॉप करोगे उसके बाद? सर टॉप ही नहीं कर पाएंगे, पता है। सर 85% आ जाएगा। अच्छा 85 तो यार अच्छा है, मतलब सर उतना कॉन्फिडेंस रखें। अच्छा ये एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, हर कोई जोर से बताएगा, इसमें से कौन कौन है जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फ्यूचर में पढ़ाई करने वाला है? सर झूठ बोल रहे हैं। हाँ करना चाहते हो, मैं पूछ रहा हूँ। IMS BHU और IMS या IIT BHU या BHU यूनिवर्सिटी। अच्छा ये देखो अभी किसी का आंसर नहीं आ रहा है, और एक समय होने के बाद मुझे लगता है यही बच्चे BHU में आने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसा है? अभी मुझे लग रहा है सबका एम लगभग नीट होगा, इंजीनियरिंग होगा, या कॉमर्स में कोई अच्छा बैकग्राउंड में अपना करियर बनाने के ऑप्शन होंगे। बट मैं आपको एक सीरियस बात बताता हूँ, थोड़ा सब लोग ध्यान से सुनना, हमेशा अपने पास एक सेकेंड ऑप्शन रखना है, हर किसी को सेकेंड ऑप्शन हर किसी को रखना है। IIT करो, नीट करो, एक या दो साल में पता चल जाता है किसका निकलेगा किसका नहीं निकलेगा, ऐसा ही है, पता चल जाता है। फिर फाइनली उसके बाद पोजीशन ये होता है कि हमें किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, क्योंकि उनको लगता है कि विश्वविद्यालय में करियर बनाया जा सकता है। कौन कौन UPSC करना चाहता है? कौन कौन अच्छा ये देखो, दूसरे का हम सबको पता है, अपना नहीं बता रहे, आर्यन किधर है? कौन कौन UPSC करना चाहता है? ये भाई ये बताओ करना क्या है फिर, मतलब क्या बनना चाहते हो फिर? डॉक्टर, मतलब सब बताओ अपना अपना ना, किसका किसका क्या क्या है? मैं IIT बनना चाहते हो? इधर लड़कियां क्या बनना चाहती हैं? CA। और तुम लोग इधर आ, इधर वो इधर 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 ओए इधर आ, इधर इधर आ, इधर इधर आ, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर सर। डॉक्टर बनना चाहते हो? आप क्या बनना चाहते हो? IIT करना चाहते हो? मतलब अप्रॉक्स लोगों का जो ड्रीम है, जैसा हम लोग का होता था, मेरा भी था इंजीनियरिंग करना था, इंजीनियर ही बनना था, और लेकिन हमेशा एक सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए। मैं चाहूँगा कि जिस भी स्कूल के बच्चे हैं उस स्कूल के टीचर्स भी ज़रूर इनका करियर काउंसलिंग कराएं, और खासकर यूनिवर्सिटी स्टडी के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि अभी सबको पता है कि हर किसी को ना इंजीनियरिंग की सीट मिलने वाली है, ना हर किसी को नीट का सीट मिलने वाला है। कंपटीशन का लेवल देख रहे हो, नीट में जो सक्सेस रेटियो 0.5% के आसपास है, और IIT में सबको पता है 10,000 के बाद जो मिलता है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिलते हैं, और उसमें फीस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में हमेशा अच्छा ये देखो, सीरियस बातें शुरू हुआ तो सब भाग गए लगभग, मस्ती करना था तो अप्रॉक्स यहाँ पे खड़े थे। तो हमेशा सेकंड ऑप्शन रखना है, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो नया प्लेटफॉर्म बनाया गया उसका नाम किसी को पता है? वाह वेल डन, कौन बताया? ये कबड्डी प्लेयर, बहुत बढ़िया। तो उसका नाम है CUET। हमेशा ध्यान रखो कि CUET का जो सिलेबस है वो आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी मैच करता है। नॉर्मल लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं, और एक होता है उसमें GT जिसको जनरल टेस्ट बोलते हैं, और वो बहुत ही कॉमन सिलेबस है, आपको उसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करना है। लेकिन हर कोई जो 12वीं का बच्चा है वो अपने नीट और IIT के बाद, मतलब JEE मेन के बाद, वो CUET का फॉर्म ज़रूर डालेगा, ठीक है? और CUET का जो फुल इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक चैनल है, उसका नाम है BHU पाठशाला। हाँ अभी नए हैं तो BHU पाठशाला पे आप लोग उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जिसमें पता चल जाएगा कि CUET की तैयारी कैसे करना है, इवन करियर डेवलपमेंट, बहुत सारे आपको इस तरीके की चीज़ें वहाँ बताई जाएंगी, ठीक है? ठीक है, उन लोग भी आ जाओ। इधर आओ, क्या बोल ये लड़का? बड़ा पैसा देकर अंदर नहीं आ सकते हम लोग BHU के? कितना पैसा दोगे लगभग? कितना पैसा दो, कितना डिमांड होगा ये बताओ? पैसा है कि तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, खेत कितने हैं तुम्हारे पास? सर मेरा खुद का तो है नहीं। हाँ मतलब घर में कितना है? सर ये तो हमको भी नहीं पता सर, बस थोड़ा सर जितना दे सकते उतना ही। कम से कम 5-6 करोड़ रुपए लगेंगे। अरे सर पैसे से एडमिशन नहीं होगा, पढ़ाई से एडमिशन होगा। ठीक है आ जाओ। हाँ क्या नाम है तुम? संदीप महेश्वरी। संदीप महेश्वरी, बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं। चलो मोटिवेट करो। सर पहले बताइए आप कौन हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा नाम है
नीर दर्शन और मैं कासिम हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं लोगों को पढ़ाता भी हूँ। अच्छा, इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। और ये सवाल किस लिए पूछ रहे हैं? अच्छा, सवाल पूछ रहे हैं जिससे कि आप लोग को, सबसे पहले तो विश्वविद्यालय में आए हो, मेरे विश्वविद्यालय में आए हो, इतना बढ़िया तुम लोग का जमावड़ा देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा आप लोग का एक्साइटमेंट जानना चाहिए। अच्छा। और अब मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आप लोग से क्वेश्चन नहीं पूछ पाऊंगा, तो अब आगे आप मोटिवेट करोगे। सर, आप यहाँ कब से हैं? मैं यहाँ पे 4 साल से हूँ। 4 साल? हाँ, मेरा घर भी यहीं है, बनारस में ही है। ये सब बताइए क्या क्या है, कहाँ पर है, क्या क्या है, इसके बारे में बताइए। ये रियल में मोटिवेटर बन सकता है। हाँ, मोटिवेशन क्या फेल भले हो जाए। अच्छा, नकल भी बस। ये मत, ज्यादा हो रहा है। बस ये बताओ कि खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, बस ये एनफ है, बताओ खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या करना पड़ता है। नहीं सर, पहले आप मेरा आंसर दीजिए था। क्या? अच्छा, बताओ मेरे से पूछो, बताइए क्या है। देखो, ये है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भारत कला भवन। अच्छा। और ये पूरे भारत में एक है और एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी म्यूजियम है ये, सबसे बड़ा। अब बाकी की चीज़ें अंदर जाने के बाद जो खुद फील करोगे, देखोगे, वो ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला होगा। तो जाइएगा, अभी जाने वाले हो अंदर, फिर आप आइएगा तो आप इस वीडियो को कमेंट में बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा। देखो, 12वीं में बहुत लोग को बहुत कुछ बनना रहता है, मैटर ये करता है कि उसके बाद अंत में आप बनते क्या हो, लेकिन अच्छी बात है। तो क्या सच में बनना चाहते हो हीरो? यस सर। हाँ, मतलब तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? सर, पवन सिंह। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई भोजपुरी एक्टर बनना चाहता है। अच्छा, आगे पवन सिंह वही ना जो भोजपुरी का हीरो है? यस सर, पावर स्टार। पावर स्टार? अच्छा, पवन सिंह पावर स्टार। तो क्यों बनना चाहते हो, हीरो क्यों बनना चाहते हो? सर, हीरो मतलब, सर हीरो बनने से सर पब्लिसिटी मिलती है, फैंस होते हैं। हाँ, बस इसलिए बनना है? अरे वो तो आजकल ऑनलाइन एजुकेशन वाले टीचर को भी बहुत पब्लिसिटी मिलता है। और सर, और सर रिस्पेक्ट मिलेगी पब्लिक में। यार, हीरो को तो लोग गालियां भी देते हैं यार, देखो खुश हो रहा है। हाँ, मतलब ठीक है, बनो, अच्छी बात है, हम लोग तुम्हारी मूवी देखेंगे। अच्छी मूवी बनाना, ठीक है, इधर उधर मूवी बनाने लगना। अच्छा, वीडियो तुम लोग का। हाँ बताओ, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? सर ये बताइए कि इसका स्थापना कब हुआ था और कितने रेंज में है और क्या क्या है यहाँ पे? अच्छा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ये 1916 में किसने किया था? हाँ, कौन को, किसको पता है ये? किसको पता है? सर, मदन मोहन मालवीय ने किया था। बहुत बढ़िया, डॉक्टर बनना चाहता है। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय। यस सर। 1916 में। यस सर। इसकी स्थापना किया था। यस सर। और क्या जानते हो विश्वविद्यालय के बारे में? सर बस यही, विश्वविद्यालय के एक पार्ट, एक इंटीग्रेटेड और बाकी के इसके 4 एफिलेटेड कॉलेजेस है। एफिलेटेड मतलब होता है विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ। और इस विद्यालय के बारे में आप लोग, ऑफिशियल वेबसाइट है BHU ऑनलाइन, उस पर आप लोग सर्च करिएगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हो, भदोही से बिलोंग करते हो, तो भदोही के आसपास में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, और ये मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ, सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, ठीक है? तो आप सभी लोग विश्वविद्यालय के बारे में जाने और आने वाले CUET फॉर्म में जो 12वीं बच्चे फॉर्म जरूर डालें, ठीक है? तो अभी इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे, कोई बहुत बड़ा हो जाएगा तो कोई देखेगा ना। एडिट कर दीजिएगा ना। सर ये बताइए, आप यहाँ पे कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, किसका पढ़ाई कर रहे हैं? मैं यहाँ पे जर्नलिज्म कर रहा हूँ। जर्नलिज्म सर, इसको मतलब कब से कर रहे हैं आप? जर्नलिज्म का मेरा ये सेकंड ईयर है अभी। सेकंड ईयर? हाँ, और मैंने UG भी यहीं से। सर ये कितने ईयर का कोर्स है? ये जर्नलिज्म 2 साल का होता है। 2 साल का कंप्लीट होने वाला है सर आपका। अच्छा, मेरे सब्सक्राइबर 72 के कौन कौन देख लिया? मोबाइल है? अच्छा, नहीं लाइव नहीं है। अच्छा ठीक है, बंद करते हैं। बाकी चैनल का नाम बता के तब बंद करें। अच्छा, चैनल का नाम है BHU पाठशाला और मैं चाहूंगा कि आप लोग बोलें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, मुस्कुरा।